चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां पर मुजफ्फरनगर के जवान विवेक शहीद हो गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें कि पैतृक गांव पहुंचा जवान का पार्थिव शरीर, जगह जगह पार्थिव शरीर पर पुष्प वर्षा की गई। 2015 में सेना में भर्ती हुए थे विवेक देशवाल, जो कि शहीद हो गए हैं जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए। तो यूपी के मुजफ्फरनगर के शाहज जुड़ी गांव का आर्मी जवान विवेक देशवाल शहीद हो गया है। रविवार की शाम तक शहीद जवान का पार्थिव शरीर गांव पहुंच गया है, और वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जहां जहां से पार्थिव शरीर जिस रास्ते से होकर गुजरा है, वहां लोगों ने पुष्प वर्षा की है। तो बता दें आपको कि शनिवार देर रात सेना के अधिकारियों ने परिजनों को सूचना दी थी इस शहादत के बारे में, और उसके बाद से ही परिजन दुखी हैं। आखिर नम है ना सिर्फ परिजनों की, बल्कि पूरे गांव की, पूरे देश की। वहीं बता दें कि पार्थिव शरीर रविवार शाम को गांव पहुंचा। विवेक देशवाल सुंदरपाल देशवाल सेना में, सुंदरपाल देशवाल के बेटे जो कि सेना में जवान थे, और 2015 में सेना में भर्ती होने के बाद पिछले 3 वर्षों से जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी 28 AD में लांस नायक थे। 30 वर्षीय जवान विवेक देशवाल की तैनाती श्रीनगर में थी। शनिवार देर रात को आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए विवेक देशवाल। तो आर्मी की ओर से अधिकारियों ने फोन कर बलिदानी जवान के घर पर सूचना दी, तो उसके बाद कोहराम मच गया। तो बता दें आपको कि जम्मू कश्मीर में मुजफ्फरनगर का लाल विवेक शहीद और पैतृक गांव पहुंच चुका है जवान का पार्थिव शरीर। जगह जगह पार्थिव शरीर पर पुष्प वर्षा की गई है। 2015 में सेना में भर्ती हुए थे विवेक देशवाल। तो शनिवार को आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए विवेक। तो आगे बढ़ते हैं अल्मोड़ा हादसे।